हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपने स्टडी कर रहे थे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए, जिसमें अपन ने माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी कर ली थी। आज अपने पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइनल की स्टडी। तो माउथ इसोफेगस यानी इसोफेगस की स्टडी को क्या बोलते हैं अपने, बेरियम स्वेलो। स्टमक डेडुनम जेजुनम, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, बेरियम मील। और इसके बाद में आता है अपना इलियक और आगे कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, तो उनकी स्टडी आज अपने करेंगे। इसको बोलेंगे अपने BMFT। ये देखो बेरियम स्वेलो की स्टडी में अपने क्या देखते हैं, इसोफेगस, जो कि कॉन्ट्रास्ट फील्ड अपने को दिखाई देती है। जिस टाइम पेशेंट क्या है कॉन्ट्रास्ट निकलता है, जस्ट उसी टाइम मूवमेंट को देखते हुए अपने क्या है इमेज क्लिक करते हैं, एक्सरे क्लिक करेंगे और एक्सपोजर देंगे, ताकि क्या है अपने को इसोफेगस कॉन्ट्रास्ट फील्ड अपने को इसोफेगस दिखाई देता है। और ये है अब इसका लेटरल व्यू। देखो लेटरल व्यू में इसोफेगस क्या है, कॉन्ट्रास्ट फील्ड दिखाई दे रही है। सेकंड आता है अपना बेरियम मील। बेरियम मील में क्या है, स्टमक डेडुनम जेजुनम, ये चीजें देखते हैं अपने। तो देखो बेरियम मील में अपने क्या है, स्टमक डेडुनम जेजुनम, ये सारे कॉन्ट्रास्ट फील्ड दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टडी करते हैं अपने BMFT, बेरियम मील फॉलो थ्रू। इसको SBFT भी बोलते हैं, स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू। इंट्रोडक्शन है इसका, बेरियम मील फॉलो थ्रू इज द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ स्मॉल बाउल इलियोकोकल जंक्शन। ये किसके लिए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है, स्मॉल बाउल के इलियोसिकल जंक्शन के लिए। इसमें इलियक और आगे जो अपने कोलोन स्टार्ट होते हैं उनको देखने के लिए। बेरियम मील फॉलो थ्रू इज परफॉर्म्ड टू डायग्नोस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू इट। बेरियम मेल फॉलो थ्रू प्रोसीजर में अपने क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज, किसके द्वारा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के। इट इज नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, ये क्या है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, जिसमें कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो फर्स्ट है अपना डायरिया, डायरिया क्या होता है, लूज मोशंस। सेकंड है क्रोन्स डिजीज, इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल बोल, स्मॉल बोल में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रोन्स डिजीज। नेक्स्ट है माल एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब होना या कम एब्जॉर्ब होना उसको देखने के लिए। स्मॉल बाउल पेटेंसी, स्मॉल बाउल की पेटेंसी चेक करने के लिए। एनी एब्डोमिनल मास लीजन, कोई भी एब्डोमिनल कैविटी में मास लीजन है उसको चेक करने के लिए। एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसको चेक करने के लिए। एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अपने ये प्रोसीजर करते हैं। टू डेमोस्ट्रेट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी,
मोटिलिटी किस बोलते हैं, मूवमेंट्स को, मूवमेंट ऑफ मसल्स को, मसल्स की मूवमेंट्स को डेमोस्ट्रेट करने के लिए। स्मॉल बाउल डाइवर्टिकुलोसिस, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्टिकुलम, स्मॉल बाउल में कोई भी डाइवर्टिकुलोसिस हो गया है, पाउच का निर्माण हो गया है, तो उसको देखने के लिए। अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस, इस कंडीशन में भी अपने ये प्रोसीजर करते हैं। एबनॉर्मल डेस्टिनेशंस यानी इंक्रीज, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। प्रेगनेंसी, एनी सस्पेक्टेड कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कंप्लीट इंटेस्टाइनल या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं करते हैं, क्योंकि जो बेरियम अब पेशेंट ने क्या निगल लिया है तो उसको वापस बाहर नहीं निकाल पाएगा। सस्पेक्टेड परफोरेशन, कोई भी परफोरेशन वगैरह होगी इस कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। रिसेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, अगर जस्ट अभी अभी उसकी इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है तो इस कंडीशन में अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने इसमें कौन सा यूज लेते हैं, माइक्रोबार HD BASO4। इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहती है, 30-50% वेट बाई वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम कितनी लेते हैं, क्वांटिटी 500-600 ml यानी 500-600 ml क्वांटिटी लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपना गैस्ट्रोग्राफिन, डाइट्राजोट मेगलुमिन एंड डाइट्राजोट सोडियम, ये कब यूज होता है, इन द केस ऑफ इन्फेंट्स, यानी इन्फेंट्स के केस में यूज होता है, या सस्पेक्टेड TOF है यानी ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला, इस कंडीशन में अपने क्या है गैस्ट्रोग्राफी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं इक्विपमेंट्स, फ्लोरोस्कोपी यूनिट, स्पॉट फिल्म डिवाइस, रेडियोग्राफिक कैसेट, बीकर, लेड एप्रोन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये सारे क्या अपन को प्रोसीजर में काम में आने वाले इक्विपमेंट्स हैं। अब बात करेंगे अपने पेशेंट प्रिपरेशन की, यानी पेशेंट जब अपने पास प्रोसीजर करवाने के लिए आ रहे हैं तो उसकी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। पेशेंट शुड कम इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट विद फास्टिंग, पेशेंट क्या है जब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोसीजर के लिए आता है तो फास्टिंग आना चाहिए यानी भूखे पेट आना चाहिए। एंड प्री नाइट टू द एग्जामिनेशन डे पेशेंट शुड नॉट ईट एनीथिंग, एग्जामिनेशन से पहले की रात पेशेंट को कुछ भी नहीं खाना है। पेशेंट शुड नॉट ड्रिंक एनी लिक्विड डाइट बिफोर 3-4 hours टू द एग्जामिनेशन, जब उसका एग्जामिनेशन होने वाला है उससे 3-4 hours पहले तक पेशेंट को कुछ भी पीने के लिए लिक्विड डाइट नहीं देनी है। नेक्स्ट 1-2 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन पेशेंट शुड बी टेक लो रेजुअल डाइट, एग्जामिनेशन से 1-2 days पहले तक पेशेंट क्या है बिल्कुल लो डाइट लेगा। ए गुड लग्जेटिव सच एज लैक्टुलोज सॉल्यूशन कैन बी गिवन टू द पेशेंट विच हेल्प इन एम्पिटी द बोवल, अगर किसी पेशेंट के बोवल एम्पिटी नहीं हो रहा है तो उसको क्या है लग्जेटिव के ड्रग्स देते हैं लैक्टुलोज सॉल्यूशन, जिससे क्या है पेशेंट का बोल एम्प्टी होने में हेल्प मिलती है।
ए रेडियोग्राफर शुड इंश्योर अबाउट एनी सस्पेक्टेड परफोरेशन और एनी अनदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द परफोरेशन। यानी रेडियोग्राफर पहले चेक कर लेगा कि इसके कोई भी परफोरेशन वगैरह तो नहीं है, या इसके कोई कॉन्ट्रास्ट एलर्जी नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, उसके बाद अपने क्या इसका प्रोसीजर करते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रोसीजर की। वी शुड टेल द पेशेंट टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड वियर क्लीन पेशेंट गाउन। अब हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने कपड़े रिमूव करें और एक क्लीन पेशेंट गाउन पहन ले। एनी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ एब्डोमन। कोई भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स अगर पेशेंट ने एब्डोमिनल रीजन के अराउंड पहन रखा है तो उसको अपने रिमूव करवा देंगे। ए प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम कैन बी गिवन टू पेशेंट ड्रिंक। अब जो अपना प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है बेरियम का, जो सॉल्यूशन अपन ने तैयार कर रखा है कॉन्ट्रास्ट मीडिया 500 से 600 ml, वो अपने पेशेंट को देंगे और उसको पीने के लिए बोलेंगे। पेशेंट शुड लाई ऑन द फ्लोरोस्कोपिक टेबल इन सुपाइन पोजिशन। अब पेशेंट क्या करेगा, फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे सुपाइन पोजिशन में लेट जाएगा। आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन वी शुड टेल द पेशेंट टू वॉक एंड रोल ऑन द फ्लोरोस्कोपिक टेबल एंड टेल द पेशेंट टू लाई इन राइट लेटरल पोजिशन विच इंक्रीज द एम्पेटिंग मूवमेंट एंड अलाउ द बेरियम सॉल्यूशन टू पास क्विकली। अब क्या करेंगे अपने, कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को पिलाने के बाद पेशेंट को कहेंगे कि या तो वॉक करे, इधर से उधर घूमे, या फिर क्या करेगा फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे रोल करे, ताकि क्या उसके जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो तेजी से आगे जा सके। एंड टेल द पेशेंट टू लाई इन राइट लेटरल पोजिशन, और फिर पेशेंट को बोल देंगे कि आप राइट लेटरल पोजिशन में लेट जाओ। तो राइट लेटरल पोजिशन में लेटने से क्या होता है, वो मूवमेंट्स को क्या है बढ़ा देता है, जिससे अपना रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है क्विकली आगे पास हो जाएगा। एप्रोप्रिएट एपी ओब्लिक पीएलेटरल रेडियोग्राफ्स कैन बी टेकन अंडर स्पॉट फिल्म डिवाइस एंड आल्सो रियल टाइम इमेजिंग टू सी द मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल एंड स्मॉल बाउल पेटेंसी। अब क्या करेंगे, अपने पेशेंट के एपी ओब्लिक और पीए लेटरल व्यू लेंगे, ये सारे क्या है व्यू अपने स्पॉट फिल्म डिवाइस की सहायता से सेव कर लेंगे और रियल टाइम इमेज को देखने के लिए काम में लेंगे। और रियल टाइम इमेज में अपने क्या देखेंगे, मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल एंड स्मॉल बाउल पेटेंसी, यानी जो इंटेस्टाइनल की मूवमेंट है उसको और स्मॉल बाउल की स्ट्रक्चर को अपने देखते रहेंगे। ये सारा प्रोसीजर क्या है अपना एक फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में होता है। तो अपने को फ्लोरोस्कोपिक पूरी इमेज दिखती रहेगी, जो भी इमेज अपने को सेव करनी है वो क्या करेंगे स्पॉट फिल्म डिवाइस की सहायता से सेव कर लेंगे। ए पीए प्रोन फिल्म आल्सो कैन बी टेकन आफ्टर 20 मिनट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंस्टॉलेशन टू विजुलाइज द आई सी जंक्शन इलियोसिकल जंक्शन। अब अपने क्या करेंगे, 20 मिनट बाद जब अपन ने कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिला दिया है उसके 20 मिनट बाद पेशेंट के एक प्रोन पोजिशन में फिल्म लेंगे, जिससे क्या अपने को इलियोसिकल जंक्शन क्लियरली सीन हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रास्ट क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके लार्ज इंटेस्टाइनल में जाना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम अपने क्या है
पेशेंट को प्रोन लेटा के एक व्यू लेंगे। ये एपी ओब्लिक और पीए लेटरल व्यू लिए थे अपन ने रियल टाइम इमेजिंग देखने के लिए, और ये सारे क्या है व्यू अपने को लेने होते हैं। जब अपने को इलियोसिकल जंक्शन देखना है तो अपने कौन सा व्यू लेते हैं, पीए प्रोन। टू डेमोस्ट्रेट डायवर्टिकुलम इरेक्ट फिल्म आल्सो द एब्डोमिनल इज टेकन। जब अपने को क्या है डेमोस्ट्रेट करना है डायवर्टिकुलम का, तो अपने पेशेंट की इरेक्ट फिल्म लेंगे एंड पेशेंट को बिल्कुल सीधा खड़ा करके एब्डोमिनल का एक्सरे लेंगे। किस लिए, डायवर्टिकुलम को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, डायवर्टिकुलम को देखने के लिए। अब बात करते हैं आफ्टर केयर की, पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे। पेशेंट में सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन सो गुड लग्जेटिव इज गिवन टू द पेशेंट। पेशेंट को सफर फील होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो अपने पेशेंट को क्या करेंगे, गुड लग्जेटिव अच्छी लग्जेटिव ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देंगे, पेशेंट को देंगे। पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म दैट हिज बोवल मोशन शुड बी वाइट फॉर्मेड फॉर फ्यू डेज। पेशेंट को अपने इन्फॉर्म कर देंगी कि उसका बोवल मोशन वो कुछ दिनों के लिए वाइट रहेगा। पेशेंट शुड एडवाइज टू ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। पेशेंट को अपने क्या कहेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में पानी को पिए, ताकि क्या है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसने पिया था वो जल्दी से जल्दी बाहर आ सके। उसके बाद देखो अपने को एक इमेज दिखाई गई है BMFT की, बेरियम मील फॉलो थ्रू की, जिसमें का स्टमक के बाद में इंटेस्टाइनल से होता हुआ कॉन्ट्रास्ट मीडिया आया है, फिर असेंडिंग कोलोन में गया, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस तक अपने क्लियर क्या है दिखाई दे रहा है। तो एक बार अपने इसका क्या है रिवीजन कर लेते हैं। अपने प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले पेशेंट को अपन ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बुलाया, सारी पेशेंट प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद फिर पेशेंट को बोलेंगे कि अपने कपड़े रिमूव करें और पेशेंट गाउन पहन ले, और कोई भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है तो उसको रिमूव कर दे। फिर जो अपना प्रीपेड बेरियम सॉल्यूशन होता है 500 से 600 ml पेशेंट को देंगे और पीने के लिए बोलेंगे। जब पेशेंट कॉन्ट्रास्ट मीडिया पी लेता है तो उसको बोलेंगे कि या तो इधर से उधर वॉक करे या फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे राउंड करे। फिर उसके बाद पेशेंट को क्या है राइट लेटरल पोजिशन में लेटा देंगे, ताकि क्या जो अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो क्विकली पास हो जाएगा, आगे जल्दी से जल्दी चला जाएगा। फिर उसके बाद अपने करेंगे एपी इमेज, ओब्लिक इमेज और पीए लेटरल इमेज लेते हैं। ये सारी इमेज किससे लेते हैं, अपने स्पॉट फिल्म डिवाइस की हेल्प से। और क्या करेंगे, रियल टाइम इमेज देखने के लिए। रियल टाइम इमेज में अपने क्या देखते हैं, मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल की मूवमेंट्स और स्मॉल बाउल की पैटर्न्स। ये सारा प्रोसीजर अपने किस में करते हैं, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट में अपने को दिखाई देता रहता है। ये सारा प्रोसीजर होने के बाद, कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने के बाद पेशेंट को 20 मिनट बाद अपने क्या करते हैं, पीए व्यू लेते हैं। पीए प्रोन में व्यू लेंगे क्या देखने के लिए, इलियोसिकल जंक्शन देखने के लिए, और डेमोस्ट्रेट करते अपने डायवर्टिकुलम, कोई भी डायवर्टिकुलम हो उसको देखने के लिए अपने कौन सा व्यू करेंगे, पेशेंट का इरेक्ट व्यू, एब्डोमेन का इरेक्ट व्यू करेंगे डायवर्टिकुलम देखने के लिए। और पीए प्रोन में करेंगे वो किस लिए होता है, इलियोसिकल जंक्शन देखने के लिए। ये प्रोसीजर अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।